लावारिस बैग में मिले करोड़ों रुपए कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर नोटों से भरा बैग मिला। देर शाम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ टीम व डिप्टी सीटीएम के निरीक्षण के दौरान मिला नोटों से भरा बैग जिसमें लगभग 1,40,00,000 रुपए मिले हैं। वहीं ट्रेन संख्या 02562 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रेन में लावारिस हालात में मिला बैग। रेलवे प्रशासन ने इनकम टैक्स को दी सूचना। अभी तक बैग में लगभग राशि 1 करोड़ के ऊपर है। वहीं रेलवे के डिप्टी सीटीएम हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आगे इस मामले में इनकम टैक्स करेगी मामले की जांच और खुलासा वही आरपीएफ व जीआरपीएफ पुलिस को लगा दिया गया है। यह रुपया जिसका है और किस लिए लिए जा रहा है। डिप्टी सीटीएम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन इस मामले में कुछ भी खुलकर नहीं बोलना चाहते। रात में हम लोग को ये सूचना मिली थी कि एक ट्रेन होती है स्वतंत्रता सेनानी स्पेशल एक्सप्रेस 02562 उसमें हम उसके आवाज़ नहीं करो बैक किया तो उसका कोई क्लेमेंट नहीं था, कोई बारिश नहीं था, तो वो अनक्लेम्ड लगेज की तरह ट्रीट हुआ और उसके हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया कमर्शियल स्टाफ के द्वारा आरपीएफ और जीआरपी के प्रति। तो ऐसे सामान को खोला जाता है और जो सामान होता है उसको ऑक्शन वगैरह किया जाता है, लेकिन जब यहाँ बैग खोला गया तो उसमें कैश मिला। कैश मिलने के कारण हमने उसको फिर एजुकेज जीआरपी की स्टडी में है और जीआरपी द्वारा इनकम टैक्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो लोग आके इसको सर कितना पैसा था अभी इसकी काउंटिंग की। अच्छा सर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये कुछ जानकारी हम लोग को नहीं। सर अनुमानित लागत कुछ तो जाँच, ये सब जाँच का विषय है। सर कितनी गड्डियाँ होंगी हम लोगों ने गिना नहीं, उसमें चूँकि कैश है इसलिए हम लोगों ने एजुकेज जीआरपी को हैंडल कुछ लगभग सर कुछ भी नहीं, मैं ऐसे अंदाज से तो कुछ नहीं बता सकता। सर किस प्लेटफॉर्म पर मिला था ये प्लेटफॉर्म क्या 2562 जो ट्रेन आती है ना उससे प्लेटफॉर्म नंबर जो है सर लाख रुपए में माना जाए कि हजार प्लेटफॉर्म होता है जहाँ तक मुझे याद है 5 लाख हजार में माना जाए कि लाख में। अब ये तो सर कुछ तो अभी काउंट होने के बाद पता चलेगा, जीआरपी की कस्टडी में है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर होगा उसी समय ये डिटेल में पता चलता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।